हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल क्लास पर। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो आज हम इसके टॉप 25 IMP क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा लेक्चर 2 है इस सीरीज का। तो देखिए, यहाँ पे जो सीरीज चला रहे हैं टॉप 25 क्वेश्चनों की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऑनलाइन एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। इसका लेक्चर वन हमने बता दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं जाकर के प्ले लिस्ट में, और इसका जो क्या कहते हैं चैप्टर वाइज वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं, तो उसको भी हमने काफ़ी अच्छे से बताया है। बाकी देखिए, यहाँ पे अगर हम इसके क्वेश्चनों की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या ले रखा हमने कि DC परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। अब DC परिपथ में धारा कौन सी प्रवाहित होगी, तो ऑप्शन ये दे रखा है एक ही दिशा में होगी, या फिर ऑप्शन बी दोनों दिशा में होती है, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो, DC परिपथ में आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट करंट, तो उसमें जो दिशा परिवर्तित होगी एक ही दिशा में होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अगर हम AC की बात करें तो अल्टरनेटिव करंट की, तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है उसमें दोनों दिशाओं में होती है, तो थोड़ा सा मतलब गौर करिएगा यहाँ पे क्वेश्चन पे। यहाँ पे DC पूछा है तो मतलब एक दिशा में होगी, अगर AC पूछता तो क्या होता, दोनों दिशा में होता, तो दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। बाकी बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं क्या है कि प्रतिरोधक की सहनशीलता का मान जितना कम होगा वह प्रतिरोध होगा। अब देखिए, प्रतिरोधक की सहनशीलता का मान हम जितना कम करेंगे वह प्रतिरोध क्या होगा, ऑप्शन ए उतना ही बेहतर होगा, ऑप्शन बी उतना ही ख़राब होगा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे प्रतिरोधक के सहनशीलता की बात करें, जितना कम होगा वो प्रतिरोध क्या होगा उतना ही अच्छा होगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि प्रतिरोधकता की इकाई होती है। अब प्रतिरोधकता की इकाई क्या होगी यहाँ पे, तो ऑप्शन ए दे रखा ओम, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ पे प्रतिरोधकता की जो इकाई रो होता है उसकी जो इकाई होती है ओम मीटर होती है, क्या होती है ओम मीटर होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे ओम पर मीटर लिखा गया मतलब ये वाला रॉन्ग होगा, और यहाँ पे केवल ओम लिखा गया तो वाला नहीं होगा, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन सी राइट होगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सुपर पोजिशन थ्योरम की लिमिटेशन होती है। तो देखिए, सुपर पोजिशन थ्योरम जो होती है उसकी लिमिटेशन क्या होती है यहाँ पे, तो ऑप्शन ने दे रखा है कि यह नॉन लीनियर नेटवर्क में लागू नहीं होता है, ऑप्शन बी या पावर रिलेशनशिप में वैलिड नहीं होता है, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सुपर पोजिशन थ्योरम की लिमिटेशन की, तो ये क्या होता है दोस्तों, यह नॉन लीनियर नेटवर्क में भी लागू नहीं होता है और या पावर रिलेशनशिप में भी वैलिड नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों होगा, तो दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। मान लीजिए एक दे दिया इस प्रकार से कि या नॉन लीनियर नेटवर्क में लागू होता है, और आप आगे ऑप्शन दे दिया 3 कि मतलब जो नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए तब सही होगा। जबकि यहाँ पे दोनों दे रखा है कि ये दोनों में लागू होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों होगा, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि नॉर्टन प्रमेय तुल्य है। तो देखिए, नॉर्टन प्रमेय तुल्य है, तो ऑप्शन ए दे रखा है IL बराबर RN प्लस RL IN गुड़े RN, या फिर ऑप्शन बी दे रखा है IL बराबर IN गुड़े RN बटे RN प्लस RL, ऑप्शन सी IL बराबर VTH अपान RN प्लस RL, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है इसमें नॉर्टन प्रमेय जो बराबर होती है वो ऑप्शन सी यहाँ पे जो दे रखा है, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन क्या कहते हैं ऑप्शन बी जो दे रखा है IN गुड़े RN RN प्लस RL, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि थेवेनिन प्रमेय तुल्य है। तो देखिए, थेवेनिन प्रमेय क्या है यहाँ पे कि ऑप्शन ने दे रखा है कि IL बराबर RTH प्लस RL बटे RTH, और ऑप्शन बी दे रखा है कि IL बराबर VTH बटे RTH प्लस RL, और ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ पे थेवेनिन प्रमेय की बात की जा रही है, तो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, IL हो जाएगा, IL बराबर VTH बटे RTH प्लस RL। अब यहाँ पे IL क्या है, लोड धारा है, और यहाँ पे VTH क्या है, थेवेनिन वोल्ट है, और यहाँ पे RTH क्या है, थेवेनिन प्रतिरोध है, और यहाँ पे RL क्या है, लोड प्रतिरोध है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। तो अब देखिए, थोड़ा सा गौर करना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए नॉर्टन में क्या है, नॉर्टन में यहाँ पे ए वाला है, जबकि यहाँ थेवेनिन में क्या है, थेवेनिन में इस प्रकार से है। अगर इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद करने जाएँ थेवेनिन को, तो देखिए हमारा क्या होता है, वी बराबर आई इंटू आर होता है, और हम आई क्या लिखते हैं, आई बराबर वी बटे आर लिखते हैं। तो ओम का नियम यदि आपको याद है, तो ओम के नियम के बराबर ही थेवेनिन प्रमेय होती है, थेवेनिन प्रमेय तुल्य होती है। इसे यहाँ पे देखिए, आई की जगह पे क्या IL है,
और बी की जगह BTS हो गया है और आर की जगह पे RTS प्लस RL है। तो मतलब कुछ ओम के नियम के तरीके से, तो थोड़ा सा इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में इस चैनल को शेयर भी कर दें, वीडियोज़ को भी शेयर करते रहें, क्योंकि तो देखिए वीडियोज़ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर हम भी इस 20 मिनट की वीडियोज़ को बना रहे हैं तो इसके पीछे 2 घंटे की मेहनत होती है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि हमारे घरों तक पहुँचने वाली विद्युत होती है, जो हमारे घर तक विद्युत पहुँचती कौन सी होती है, AC होती है या फिर DC होती है या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो घर तक विद्युत पहुंचती है हमारे यहाँ पे ऑप्शन है यानी कि AC होती है, क्योंकि तो आपको पता होगा कि अल्टरनेटिव करंट होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। और बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि विभवांतर की विमा क्या होती है। अब विभवांतर की विमा क्या होगी यहाँ पे, तो ऑप्शन ए दे रखा है ML T-2, ऑप्शन बी ML T-2 A-2, और ऑप्शन सी ML2 T-3 A-1, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो जो विभवांतर होता है यहाँ पे इसकी जो बीमा होती है ऑप्शन सी होगी ML2 T-3 A-1। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको अगर लिखें केवल इसकी पावर को, तो 12 -3 -1, अब देखो 12 -31, तो इसको आप कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि MLT की जो विभवांतर की जो बीमा होगी 12 -31 होगी, -31 का मतलब -3 -1, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको, तो इसका ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। अब देखिए वैद्युत धारा का मात्रक आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन ए दे रखा है एम्पियर, ऑप्शन बी कूलाम पर सेकेंड, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर विद्युत धारा जो आई होती है वो Q/T होती है, आपको पता है, तो क्यू का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, और टी का मात्रक सेकेंड होगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी कूलाम पर सेकेंड होगा। और देखिए अब इसी को हम एम्पियर भी तो लिखते हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए भी इसमें राइट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों इसमें सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। तो बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है यहाँ पे कि विभवांतर को मापते हैं। तो देखिए विभवांतर को किस में मापते हैं, तो ऑप्शन ए दे रखा है मीटर से, या फिर ऑप्शन बी वोल्ट मीटर से, या फिर ऑप्शन सी दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। विभवांतर को जो मापते हैं यहाँ पे हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और एमीटर से हम क्या मापते हैं, धारा को मापते हैं, भी आपको पता होगा, तो यहाँ पे विभवांतर को मापने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 कि परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए परिपथ में विद्युत धारा को अगर मापना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए वोल्ट मीटर का, या फिर ऑप्शन बी एमीटर का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे विद्युत धारा, अभी अभी हमने बताया कि विद्युत धारा को अगर मापना है, करंट को अगर मापना है, तो हम इसमें एमीटर का यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्या अच्छा क्वेश्चन है कि किरचाफ का संधि का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। अब किरचाफ का संधि का नियम है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पर, ऊष्मा संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए किरचाफ का जो संधि का नियम यहाँ पे जो क्या कहते हैं आवेश संरक्षण होता है उस पर आधारित है। संधि का नियम मतलब प्रथम नियम, यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है किरचाफ का जो प्रथम नियम है इस पर आधारित है, तो हमारा आवेश संरक्षण पर आधारित है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसमें राइट हो जाएगा। तो बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है यहाँ पे कि वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं। देखिए वोल्ट मीटर को यदि परिपथ में लगाना है तो किस क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी समांतर क्रम में, या फिर ऑप्शन सी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए वोल्ट मीटर को जो हम लगाते हैं यहाँ पे समांतर क्रम में ही लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार कनेक्शन है। देखिए स्टार कनेक्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन ए दे रखा है इस प्रकार से कि R1 R2 R3 इस प्रकार से है त्रिभुज के आकार का, और ऑप्शन बी इस प्रकार से हमारा है टी आकार का, और ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए स्टार कनेक्शन को हम टी कनेक्शन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि R1 R2 अगर टी के आकार का है, या फिर इसको ऐसे भी आप दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी हमारा स्टार कनेक्शन ही होता है। तो इस टाइप से जितना भी होगा मतलब हर एक हर एक बार हर एक जो है बिंदु खुला होगा, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हर एक बिंदु ज्वाइंट है एक दूसरे से, पर यहाँ पे क्या है ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, तो इस प्रकार से भी होगा तो हमारा स्टार कनेक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 की लीनियर नेटवर्क होते हैं। देखिए लीनियर नेटवर्क क्या होते हैं, तो इसमें दे रखा ऑप्शन है जिसमें लीनियर एलिमेंट होते हैं, या फिर ऑप्शन बी इसमें नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें लीनियर नेटवर्क की, तो यह देखिए यहाँ पे इसमें लीनियर एलिमेंट भी होते हैं और इसमें नॉन लीनियर एलिमेंट होते हैं, या फिर ऑप्शन सी दोनों होगा। तो अब देखिए यहाँ पे लीनियर नेटवर्क में क्या होगा, जिसमें लीनियर एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन
ऑप्शन सी, ऑप्शन ए क्या कहते हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। तो बाकी चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया 16। देखने क्या है कि क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, देखिए क्या दो चुंबकीय बल रेखा जो होती है एक दूसरे को काटेगी। तो ऑप्शन ए दे रखा नहीं, ऑप्शन बी दे रखा है यस, ऑप्शन सी दे रखा है कभी कभी काटती हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, काटने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो हाँ तो होगा नहीं कि दो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नहीं काटती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें इसके आंसर की, तो देखिए क्या क्या लिखा है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये यदि आप एच कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाँ में हो जाएगा हाँ काटती हैं। अगर हम आप यहीं पे नो करेंगे तो क्या हो जाएगा नहीं काटती, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है 17 वाला। देखिए बायो सेवर्ट नियम का सही संबंध है, तो बायो सेवर्ट नियम का जो सही संबंध यहाँ पे है तो ऑप्शन ए दे रखा है डेल्टा बी बराबर न्यू अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और ऑप्शन बी दे रखा है डेल्टा बी बराबर न्यू अपान 2 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और ऑप्शन सी दे रखा है न्यू अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और ऑप्शन डी सभी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यहाँ पे ए के सामने लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन ए राइट होगा और ऑप्शन सी भी राइट होगा। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, मतलब यहाँ पे कुछ और लिख दीजिएगा, बाकी इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही होगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन ए और क्वेश्चन सी को एक जैसा बना दिया है, तो थोड़ा सा इसमें इसके हिसाब से यहाँ पे दोनों ही होगा। तो बाकी आप किसी को भी आप याद रखिए आर डेल्टा बी बराबर न्यू अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, और डेल्टा बी बराबर न्यू अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, तो दोनों चीज़ें एक ही लिखी गई है, कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों राइट होगा क्योंकि एक जैसे दोनों हैं। तो बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है कि निर्वात की चुंबकशीलता न्यू का मान क्या होता है, न्यू नॉट का मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 4 पाई 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 2 पाई 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 9×10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें निर्वात की चुंबकशीलता न्यू नॉट की, तो इसका जो मात्रक होगा सॉरी इसका जो मान होगा ऑप्शन ए यानी कि 4 पाई 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पे एसआई मात्रक की बात की गई है, तो ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी जूल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब चुंबकीय फ्लक्स का जो हमारा एसआई मात्रक होता है वेबर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं 20 वाला क्या दे रखा है कि निर्वात की चुंबकशीलता व विद्युतशीलता में संबंध होता है। अब देखिए निर्वात की चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है, तो ऑप्शन ए दे रखा है सी बराबर 1/√ ((\\)\nnot)} ऑप्शन बी (\\)\nnot)^((\\)\n²), और ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए भी सही है इसमें, ऑप्शन ए भी सही है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों होगा, क्योंकि अगर हम इसी ऑप्शन बी को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो ऑप्शन सी बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। कैसे देखिए (\\)\n) और यहाँ पे 1/√(\\)\n² है, तो (\\)\n) जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा क्या आएगा 1/√(\\)\n) (\\)\n) और (\\)\n) हो जाएगा, और ये स्क्वायर इस पर आएगा तो क्या बन जाएगा ये हमारा ये बन जाएगा, यानी सी बराबर क्या हो जाएगा (\\)\n^√(\\)\n), यानी कि ऑप्शन ए बन जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है कि रिलक्टेंस का मात्रक होता है। अब देखिए रिलक्टेंस का क्या मात्रक होता है, तो ऑप्शन ए दे रखा है 80 एम्पियर टर्म पर वेबर, या फिर ऑप्शन बी एम्पियर टर्म, या फिर ऑप्शन सी न्यूटन पर कूलम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे रिलक्टेंस का जो मात्रक होता है यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि एम्पियर टर्न पर वेबर होता है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है कि किसी चुंबकीय फलक्स का बंद पथ कहलाता है। तो अब देखिए किसी चुंबकीय फलक्स का जो बंद पथ होगा क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन ए चुंबकीय परिपथ कहलाएगा, या फिर बेलन परिपथ कहलाएगा, या फिर चुंबकीय आघूर्ण कहलाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय परिपथ कहलाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा। तो बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है कि चुंबकीय फलक्स घनत्व है। अब चुंबकीय फलक्स घनत्व क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन ने दे रखा है जिस राशि है, ऑप्शन बी परिधि राशि है, या फिर ऑप्शन सी सदिश राशि है। तो अब यहाँ पे अगर हम चुंबकीय फलक्स घनत्व की बात करें तो ये हमारी एक प्रकार से सदिश राशि होती है,
तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है 24 वाला, कि समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है। अब समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगी, ऑप्शन ने दे रखा है कि आई बराबर ई अपान आर प्लस स्मॉल आर बाई एम, और ऑप्शन बी दे रखा है आई बराबर एम ई अपान एम आर प्लस प्लस स्मॉल आर, और ऑप्शन सी यहाँ पे दोनों। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्या कहते हैं समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रवाहित होने वाली धारा, तो अभी देखिए जो यहाँ पे मैं लिखा है ये बैटरी के लिए लिखा है, ना कि आप प्रतिरोध के लिए समझिएगा। तो हमारी बैटरी के लिए है कि बैटरी में समांतर क्रम संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन बी भी होगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों होगा। क्योंकि अगर हम इसी को देखो एम आर यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें तो ऊपर एम ई हो जाएगा बटे एम आर प्लस आर स्मॉल आर हो जाएगा, मतलब इसी को थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो हमारा ये बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारी सीरीज का, कि उत्क्रमणीय क्रिया संभव है। तो देखिए उत्क्रमणीय क्रिया कैसे संभव है, ऑप्शन है प्राथमिक सेल में, या फिर ऑप्शन बी द्वितीयक सेल में, या फिर ऑप्शन सी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम उत्क्रमणीय क्रिया संभव की बात करें तो द्वितीयक सेल में ही संभव है, क्योंकि द्वितीयक सेल जो होता है उसको हम एक बार यूज़ करेंगे फिर दोबारा भी उसको हम यूज़ कर पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। और ऑप्शन ए में क्या होती है अनुत्क्रमणीय क्रिया संभव होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है इसको अगर हम एक बार यूज़ करेंगे तो दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे केवल ऑप्शन बी होगा द्वितीयक सेल में, तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। और दोस्तों देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि देखिए बहुत मेहनत से लगता है वीडियो बनाने में, आपको आपको लग ही रहा होगा। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम आईडी है पॉलिटेक्निकल क्लासेस स्टूडेंट के नाम से है, तो जो चैनल का नाम है सेम नाम उसी नाम से टेलीग्राम आईडी बना रखी है, तो आप जा करके वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।